आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काले चने के सब्जी की रेसिपी। बनाने का तरीका थोड़ा अलग है और टेस्ट में तो ये बहुत ही अमेजिंग है। आप इस सब्जी के साथ रोटी चावल किसी के साथ इस सब्जी को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप काला चना ले लिया है। इसे मैंने ओवरनाइट भिगो करके ले लिया है। अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं और ये लीजिए हमने इसका पानी निकाल लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम सारे चने को डाल देंगे। उसके बाद जिस कप के नाप से हमने चने लिए थे ना, उसी कप के नाप से हम 3 कप इसमें पानी डाल देंगे। और ये लीजिए हमने इसमें पानी डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक। दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए अब हम इस प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके इसे गैस पे रख देते हैं। और ये लीजिए हमने इसे गैस पे रख दिया है। अब हम इसमें 5 से 6 सीटी आने का वेट करेंगे। और ये लीजिए 5 से 6 सीटी लग चुकी है। उसके बाद प्रेशर कुकर का ठंडा होने का हम वेट करेंगे। और ये लीजिए प्रेशर कुकर ठंडी हो चुकी है। अब हम चने को देख लेते हैं और ये देखिए चने हमारे अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, 3 से 4 बड़े चम्मच हम इसमें उबले हुए चने डाल देंगे। जार का ढक्कन लगा करके अब हम इसे पीस लेते हैं। और ये लीजिए हमने इसे पीस लिया है। इसे अब हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जार में हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें हम ऐड कर देंगे। वेस्ट क्यों करना, चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कोई कढ़ाई या पैन रख के अब यहाँ पे हमने 1/2 कप सरसों का तेल लिया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टी स्पून हींग। अब यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज में हमने प्याज लिया है, जिसे हमने स्लाइस में काट करके ले लिया है। इसे तेल में डाल करके लो टू मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भून लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, साथ में प्याज के साथ इसे भी हम भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 बड़े साइज में टमाटर लिया है, इसे भी हम प्याज में डाल करके इसे भी हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अब हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं ताकि मसाले जले ना। उसके बाद हम इसे चलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट कवर करते हुए मसालों को अच्छे तरीके से पकने देंगे। और ये लीजिए मसाले अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए। एक बार हम इसे इस तरीके से चला लेंगे, मसाले से तेल बाहर आ चुकी है। अब हमने जो चने को पीस करके रखा हुआ था ना, उसे इसमें डाल देंगे मसालों के साथ। इसे भी हम 1 से 2 मिनट चलाते हुए इसे भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी लिया है, हाथों से इसे क्रश करते हुए इसे हम मसालों में डाल देंगे। इसे भी हम मसालों के साथ 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अब हम इसे कवर करते हुए 1 से 2 मिनट फिर से हम इसे रहने देते हैं। और ये लीजिए 1 से 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया, ये आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। इस तरीके से 2 से 3 मिनट हम और भूनते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया है, इसे भी डाल करके हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे उबले हुए चने ऐड किया है।
चने को मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से आप इसे भून लें। अब हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। 2 कप हमने यहाँ पे पानी ऐड किया है, इसे डाल करके हम अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और ये लीजिए, हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट कवर कर देते हैं और उबाल आने का वेट करते हैं। और ये लीजिए, सब्जी में उबाल आ चुकी है। एक बार हम इसे इस तरीके से चला लेंगे, ये आप देख सकते हैं सब्जी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब्जी हमारी डन है, चलते हैं सब करने की प्रोसेस। काले चने की सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। एक बार आप जरूर इसे बना करके ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।